हमारी माताजी चेक कर रही है क्या क्या आया है, क्या क्या आया मम्मी? माला माल हो गई मम्मी, बिरयानी चावल। अरे कौन आ गया भाई? ये कौन आ गया रे? ओ भाई आज तो हमारे यहाँ रिश्तेदार आना शुरू हो गए भाई। इतनी अच्छा बुरो खा ले हो, निमंत्रण आयो। अच्छा तो भाई अभी अभी हमारे जो मित्र निसार बाबू ने कहा ना कि पेट के खातिर सब कुछ करना पड़ता है, इसमें जरा सी भी झूठ नहीं है भाई। हम लोग जानते हैं और मेरे जैसे जितने भी दुनिया में घूम रहे हैं सब जानते हैं कि पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी हो गए और भाई आज हमारे यहाँ पे दो रिश्तेदार आने वाले हैं। कौन और कहाँ से आ रहे हैं वो बताएंगे बाद में, फिलहाल थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। आज संडे का दिन है, उम्मीद है कि शुरुआत से काम की लय बन जाएगी, तो जल्दी से निकलते हैं, गाड़ी की साफ सफाई करते हैं और सीधा मथुरा जंक्शन मिलते हैं आपसे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा संडे का दिन शुरू होने वाला है, मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं और भाई सामने कितनी शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये देखिए, ये है हमारी मित्र मंडली, पूरी फौज तैनात है। डग्गे मार अपनी डग्गे मारी में लगे हैं, नंबर वाले अपने नंबरों पे लग गए हैं और कुछ लोग इधर से उधर भागने में लगे हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या मिलता है, आपको बताते रहेंगे। बस ब्लॉग एंजॉय करते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। हाँ जी, परे बरारी कितनी सवारी? एक ये तो भाई साहब हाईवे के लिए बैठ जाओ, हाईवे से मिल जाएगा आपको। सीधा जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बुक करके जाना पड़ेगा। हाईवे से सीधा फरे के लिए ऑटो मिल जाएगा आपको। ये सामने ओए हाईवे ले जा। कभी कभी ऐसा भला भी करना पड़ता है, सवारी को बतानी पड़ती है भाई कहाँ से फायदा ज्यादा है। हाँ तो भाई दोस्तों, आज के दिन की पहली सवारी लेके मैं वृंदावन के रंगजी मंदिर आ चुका हूँ। ये नया रंगजी है जैसे मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये दोनों जो मेरे पीछे घूम रहे हैं यही मेरी आज की पहली सवारी थी। इनको रंगजी के लिए लाया था और भाई मजबूरी में हम लोग जो चोरी वाले रास्ते होते हैं उनसे होके आते हैं, तो कई बार सवारियाँ डर जाती हैं। अभी जिन सवारियों को लाया हूँ ये मुंबई से थे और भाई इतने डर रहे थे कि भैया 3 बार पूछा मेरे से, भैया कहाँ लेके जा रहे हो? अगर शनिवार को इतवार को इतना ज़्यादा रश रहता है कि पुलिस वाले जो ट्रैफिक पुलिस है मथुरा की सारे के सारे रास्ते बंद कर देती है, तो मजबूरी में हमें हम लोगों को भाई जो चोरी वाले रास्ते होते हैं उनसे होके लाना पड़ता है। कई बार सवारियाँ डर जाती हैं, तो ये लोग बहुत डर रहे थे कि भैया कहाँ ले जा रहे हो, इनको ला के छोड़ दिया तब जाके संतुष्टि मिली। और मेरे पीछे जो दिख रहा है यही आपका नया वाला रंगजी है, यहाँ पर रहने खाने सबकी व्यवस्थाएँ होती हैं जो लोग पहले से बुक करके आते हैं उनके लिए। बाकी ज़्यादा जानकारी मेरे को है नहीं, अगर आप चाहो तो किसी दिन पूछ के बता दूंगा कैसी कहानी है। बस राधे जा रहे, चलिए निकलते, सवारी छोड़ दी और ऑर्डर भी आ चुका है, राधे आगे ले लीजिए। हाँ तो भाई दोस्तों, जब घर से निकल रहे थे हमने आपको दो टारगेट दिए थे कि पहले तो अपने लिए कुछ कमाना है ताकि परिवार चला सकें, और उसके बाद जब कुछ कम जाएगा फिर जाना अपने बाल कटवाने के लिए। तो भाई हमारा जो कमाने का काम था वो पूरा हो चुका है, आज कमाल हो गया है। वृंदावन के 2 चक्कर लग गए लगातार बैक टू बैक। पहला चक्कर में 2 सवारियाँ लेके गया था रंगनाथ जी मंदिर, वहाँ से वापस आया मथुरा जंक्शन से, फिर दोबारा सवा पहला जो चक्कर लेके गया था मैं वृंदावन, वो गया था रंगनाथ जी 2 सवारी लेके, एक अंकल आंटी थे बॉम्बे से, वहां से वापस आया फिर मथुरा जंक्शन आया, मथुरा जंक्शन से फिर सिंगल सवारी लेके दोबारा से रंगजी मंदिर, और भाई 2 चक्कर बैक टू बैक लगा के 12 बज चुके हैं। हमारा टाइम हो गया बाल कटवाने का। आज हमारे साथ में हमारे सुमित भाई भी जा रहे हैं, बोल रहे थे मैंने भी बाल रखा रखे हैं तुम्हारे इंतजार में ताकि दोनों एक साथ में कटवाएंगे। चलिए अपने जो मित्र हैं हमारे जो भाई हैं प्रेमी दास बाबू, उसकी दुकान पर चलते हैं, बाल कटवाते हैं, कुछ नया करवाने की कोशिश करेंगे कि भाई थोड़े से हीरो टाइप लगे, आफ्टर ऑल यार एक उभरते हुए यूट्यूबर हैं। ये आ गए भाई दास की दुकान पर, मतलब साथ में आए थे, नंबर पहले ले लिया, तुम्हारा नंबर भी आ गया पहले। चलो भैया चलो, चीटिंग हो रही है आज ना भाई, बाल कटवाने के चक्कर में ना तो नहाया था ना ही कपड़े चेंज किए, इस शर्ट को पिछले 2-3 दिनों से पहने हुए पहन रहा हूँ, आज
मैडम कह रही थी सुबह चेंज करवा जाओ, मैंने यार बाल कटवाने, सारे के सारे कपड़ों में बाल भर जाएंगे, किसी को पहन के जाता हूँ। ये परसों पहनी थी, कल भी पहनी और आज भी आधा दिन निकल चुका है। अब यहाँ से बाल कटवाने के बाद जब घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब जाके कपड़े चेंज होंगे। वैसे हमारे सुमित भाई ने हमारे साथ आज चीटिंग की है, निमंत्रण सुबह से ना तो इन्होंने मुझे बताया था बाल कटवाने, ना मैंने इनको बताया था, लेकिन जब जैसे ही स्टेशन पे हम लोग आए और मिले तो भाई साहब बोले मैं नहा के नहीं आया हूँ, मुझे बाल कटवाने। भाई साहब सेम कंडीशन इधर भी है, हम भी नहीं नहा के आए, लेकिन हमने इतना कर दिया कि बालों को शैम्पू करके जरूर आए। ये दास है ना, हमेशा बोलता है शैम्पू करके आओगे तो मस्त कटेंगे बाल। हाँ भैया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, बाल भी अच्छे कटते हैं। अच्छा, तो मैं इसकी बात मानता हूँ और शैम्पू करवा के आया था। भैया दोपहर हो गया है, कितना टाइम हो रहा है? 12:14 हो गई, कम से कम एक घंटा ये खा जाएगा तब खाना मिलेगा यार। प्लीज भाई साहब तो भाग जाएंगे कटवा के। नहीं सो प्लीज रुकेंगे 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 लड़का रुकेंगे। अच्छा बूरो खा ले हो, निमंत्रण आयो। अच्छा चलो आएंगे जरूर भाई। आज हमारे यहाँ पे माल आ गए, देखो कट्टे भर भर के। इनको जो लोग नहीं जानते इनके बारे में बताऊंगा, पहले जा रहे हैं, इनको जाले दीजिए फिर बताऊंगा कौन है ये। आज तो मैडम बाबा बोलने आई है बाहर। और भाई अभी अभी जो आपने देखे ना, ये हमारी जो छोटी वाली है निधि, उसके पापा थे। अभी रक्षाबंधन आने वाला ना 30 तारीख को, तो हमारे यहाँ पे जो नई नई शादी होती है उस बेटी के यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान देने के लिए जाना पड़ता है, वही करने के लिए आए थे। तो इसको बोलते हैं सैमरी चावर देने आना। सैमरी चावर होते हैं, बूरा होता है, कई चीज़ें ऐसी आइटम होती है, दाल वगैरह, जो भी जैसी भी आदमी की श्रद्धा होती है उस हिसाब से देने आते हैं। तो वह अच्छा खासा माल रख गए, अब हमें तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बनाया आ गया हमारे घर पे। और निमंत्रण अलग से पूरा खाने के लिए। हमारे यहाँ पे जो शादी के पहली साल जाते हैं ना अपनी ससुराल को रक्षाबंधन पे, उसको बोलते हैं बूरा खाने के लिए निमंत्रण देने। तो निमंत्रण और माल दोनों के दोनों घर आ चुके हैं। काफ़ी दिनों बाद कुछ अच्छी खबर मिली है तो दिल खुश है। फिलहाल शाम के 5:15 हो चुके हैं, 5:30 हो चुके हैं। जो निधि के पापा थे वो निकल गए, तो हम भी निकल रहे हैं अपने काम के लिए। चलिए निकलते हैं मथुरा जंक्शन, देखते हैं। सुबह का टाइम बहुत अच्छा गया था, थोड़ा बहुत और हो गया तो ये अच्छा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं, जब से मैं बैठा हुआ था इन्हीं के चक्कर में, क्योंकि ये आ गए थे, ऐसे कोई रिश्तेदार आए तो मैं भाग नहीं सकता था भाई, घर पर और कोई था नहीं। तो जब से इनसे बातें करने में लगे हुए थे तो ये विदा, अब हम भी विदा। चलिए मथुरा जंक्शन चलते हैं। दौलत बरसी थी, हम दोनों गठरिया बांध के डाल के आए घर पे। हम तो चले गए थे सुबह काम करके, जब ही तुम रह गए गरीब, रात में हमने चलाई थी और सुबह दिन में इतना पैसा बरसा था, लोग गाड़ियों में भर भर के सवारी नहीं नोट लेके गए। तुम दिनों और रात यहाँ रह रहे हो, फ्रीज ना कम रहो तो हम दिन ही दिन में कहाँ से कमा लेंगे यार। बाहर ज्यादा अगर मुझे रुकना होगा, कोई हमारे काम होगा तो 12 बजे तक। तो सारी रात और दोपहर 12 बजे तक सोते कब हो महाराज? फिर सोते कब हो? 4 घंटे। लो भाई कितनी कितनी लोग मेहनत कर रहे हैं, देखो इनकी सेहत, देखो नीचे से ऊपर तक ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पहले स्कूल में जब स्केल होता था ना लाइन मारने वाला, वही स्केल बने हुए हैं भाई साहब। क्या कर रहे हैं भाई, पेट के खातिर बनना पड़ा, पेट नहीं होता ना तो स्केल नहीं होता। ये तो बात सही कही। तो भाई अभी अभी हमारे जो मित्र निसार बाबू ने कहा ना कि पेट के खातिर सब कुछ करना पड़ता है, इसमें जरा सी भी झूठ नहीं है भाई। हम लोग जानते हैं और मेरे जैसे जितने भी दुनिया में घूम रहे हैं सब जानते हैं कि पेट के लिए क्या क्या निकलना पड़ता है। बेचारे आधा आधा दिन अभी बता रहे थे पूरी तो रात रहेंगे और दोपहर 12 बजे तक रहते हैं यहाँ पे सिर्फ पैसे के कमाने के चक्कर में। तो यार शादी के बाद भाई आदमी ऐसे कोलू का बैल हो जाता है कि अपनी तो कोई ज़िंदगी रहती नहीं है, ना ही अपनी कोई ख्वाहिश रहती है। हाँ, सब इसी में लगे हुए हैं। आदमी सोचता है कि यार इतना हो जाएगा जब फ्री हो जाऊंगा, इतना हो जाएगा जब फ्री हो जाऊंगा, लेकिन ये कभी फ्री वाला टाइम आता है लिए जब तक जीता है आदमी। अरे कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया रे? ये लो भाई क्या तमाशा शुरू कर दिया इन लोगों ने, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है मैडम जी? अनबॉक्सिंग हो रही है, निधि के जो पापा सामान लाए थे उसको चेक कर रहे हैं भाई, देख लो क्या क्या आ रहा है। हमारी माता जी चेक कर रही है क्या क्या आया है, क्या क्या आया मम्मी? माला माल हो गई मम्मी, बिरयानी चावल, पूरा का पूरा घर चेक करने में लगा हुआ है भाई।
जो सामान आता है ना भाई, वैसे भेजना भी पड़ता है अपनी बहन बेटियों के साथ पहले बार जो होती है शादी। अब हमारी अंजलि का नंबर है, अंजलि तो पूरी भूत बनी बैठी है। हाँ तो दोस्तों, फाइनली संडे के दिन का एंड होने को जा रहा है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया था, सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में भाई गया तो मैं थोड़ा सा लेट था, लगभग 5:30-6 बजे के करीब में, क्योंकि जो हमारी छोटी बहू निधि के पापा आ गए थे तो उनसे बातचीत करने में थोड़ा सा लेट हो गया था। अब घर पे कोई रिश्तेदार आए उसके सामने मैं निकल जाऊँ ये भी अच्छा नहीं लगता, तो उनसे बातें होती रहीं और जैसे ही मेरे जाने का टाइम हुआ तो वो खुद ही जाले को भाग गए। हम लोग खाना पीना खाने के लिए बोलते रहे लेकिन वो माने नहीं, निकल गए। तो उनके जाने के बाद मैं निकल गया था मथुरा जंक्शन, तो एक चक्कर लगाया भाई, ज़्यादा हो नहीं पाया। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाई है, ये हमारे यहाँ पर रीति रिवाज है। हमारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, MP है, UP है, राजस्थान है, हरियाणा है और 2-3 अगल बगल के राज्य हैं, इन राज्यों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ भाई कि मेरी कई रिश्तेदारियाँ हैं तो इनके बारे में मुझे जानकारी है। बाकी जो अलग अलग राज्य पड़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह, महाराष्ट्र, इस तरफ की मुझे जानकारी नहीं है, तो इनका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया। अगर कोई है वीडियो देख रहा है और उनके यहाँ पे ऐसी रीति रिवाज हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। तो हमारे यहाँ पे ऐसा चलता रहता है, जब भी हमारे घर की कोई बेटी हो और या फिर बहन हो, जो भी हो, तो जब पहली त्यौहार आता है, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे मकर संक्रांति हो या रक्षाबंधन हो, तो कुछ सामान जाते हैं। अब इसमें किसी के ऊपर दबाव नहीं होता है कि आपको इतना भेजना है या इतना लाना है, कोई लिस्टबाजी नहीं होती है इसमें। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो अपने मन से अपनी खुशी से जो दे जाता है वैसे चलता रहता है। ये दोनों तरफ के लिए है, ऐसा नहीं है कि लड़की वाले हम लड़के वाले तो हमारे यहाँ पे आएगा ही आएगा। अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो नहीं भी देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिनकी इच्छा होती है वो देते हैं। तो ज़्यादातर टाइम पे चाहे गरीब हो या अमीर हो, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो भेजते हैं। तो आज हमारे घर पे आया हुआ था, सब घर वाले देख रहे थे उसको, भाई घेवर भी आया मुझे, अभी घेवर खाने को मिला। तो दूसरा चांस है, रक्षाबंधन आने से पहले घेवर मिल गया, पहले मैं खुद खरीद के लाया था, इस बार निधि के यहाँ से आ गया। निधि के यहाँ से, चंचल के यहाँ से, निधि के यहाँ से आया था। गेवर भी खा लिया, खाना पीना भी खा लिया और भाई टाइम हो चुका है संडे के दिन को ब्लॉग को एंड करने का, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।